अबू अगर मैंने अरसल के साथ कोर्ट में जाके शादी कर ली तो जुनेद और फुप्पो क्या करेंगे? आप दोनों कितने बेबस हो जाएंगे, फिर इमाम और अतिया से कौन शादी करेगा? पहला ऑप्शन, मेरे अबू आपकी अम्मी की बात मान जाते हैं। दूसरा ऑप्शन, आपकी अम्मी इनकार की सूरत में मुझे अपने साथ ले जाती है। तीसरा ऑप्शन, खुदकुशी। क्या मतलब? मतलब ये कि इनकार की सूरत में नूर आपके साथ आएगी। हेलो जानू, नूर एक मसला हो गया। अल्लाह खैर करे, क्या हुआ? साईं भाई ने एक शर्त रख दी। आपके लिए हर शर्त करने को बोली। आई लव यू नूर। सब बताएं, शर्त क्या है? मेरे लिए तुम्हारा हाथ, वरना मिस अतिया से भी रिश्ता खत्म। बहुत साला, बहुत अच्छा किया है मेरे होने वाले जेठ। ज्यादा खुश मत हो, इनकार की सूरत में अमित तुम्हें भी अपने साथ घर नहीं लाएंगी। आपने बात की? बात की और डांट भी खाई। बड़े बुजदिल आशिक हैं। एक बार डांट क्या खाली हार ही मान ली। मुझे जो एक बार देख लेता है ना, मुझे हासिल करने के लिए कुछ भी करने को तैयार। और आप घर बैठे काम कर रहे। देखो नूर, मैं तुम्हें बरगलाना या भगाना नहीं चाहता। जब सब दरवाजे बंद हो जाए ना रसम साहब, तो दीवारें फैलानी पड़ती हैं। आप एक बार इनकार तो होने दीजिए, फिर आगे देखिएगा मैं क्या करती हूँ। नूर, नूर मेरी बात सुनो। बाद में बात करते हैं, खुदा हाफिज़। नूर, हेलो। मैं जो ठान लेती हूँ फिर कर गुजरती हूँ, और किससे के लिए सुनती। दरअसल साइम अपनी फैक्ट्री में कुछ एक्सटेंशन कर रहा है, इस वजह से ही मसरूफ था, वरना जरूर मेरे साथ आता। जी भाई साहब, मैं जिस मकसद से यहाँ आई थी, मेरे ख्याल अब वो बात कर ली जाए। बेगम साहिबा, मैंने सुना था कि आप अतिया के रिश्ते से मना करने आएंगी। भाई साहब, सुनी सुनाई बातें अमूमन गलत होती, और ये बात तो बिल्कुल ही गलत है। मैंने जिंदगी में कभी रिश्ते तोड़ने की कोशिश नहीं की, मैं हमेशा रिश्ते जोड़ती रही। इमाम का मुझे भी दुख है, लेकिन आई एम सॉरी, मैं किसी को धोखे में नहीं रख सकती। मैं इस बार आपसे एक मरतबा फिर एक गुजारिश करने आया। आप फरमाइए, मैं, मेरे बस में होगा, मैं आपको मायूस नहीं लौटाऊंगा। मैं चाहती हूं कि आप अरसम के लिए नूर का रिश्ता मुझे दे दें। भाई साहब, अरसम नूर को पसंद करता है, और नूर को भी इस पर कोई एतराज नहीं होगा। आप पूछ लें नूर से। अबू अगर मैंने अरसम के साथ कोर्ट में जाके शादी कर ली तो जुनेद और फुप्पो क्या करेंगे? आप दोनों कितने बेबस हो जाएंगे, फिर इमाम और अतिया से कौन शादी करेगा? क्या सोच रहे हैं? मैं अपनी छोटी बहन सफिया को कैसे इनकार करूंगा, ये सोच रहा था। बहनें कभी भी भाइयों से नाराज नहीं होती, और अगर ऐसा कुछ हुआ भी तो हम सब मिलकर मना लेंगे उन्हें। ठीक है, अगर
अगर इसमें आपकी खुशी है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मुझे आपसे इसी बड़ेपन की तवक्को थी। अल्लाह मुबारक है। बस अल्लाह ताला हम सब के लिए ये रिश्ता मुबारक करे। भाई साहब अब आप जब इजाजत दें तो मैं आकर नूर को अंगूठी पहना दूं, बताइए कब। बेगम साहब अब आपको इजाजत की जरूरत नहीं है, वो आपकी बेटी है, जब आपका दिल चाहे आ जाइए। चले ठीक है फिर, मैं आपको कॉल कर लूंगी और हम वक्त कोऑर्डिनेट कर लेंगे। मुबारक हो नूर साहिबा, अब तुम एक महल की मालकिन बनने जा रही हो। बस उनको तो कॉल कर, बेकरारी से इंतजार कर रहे होंगे। हेलो नूर, जल्दी बताओ क्या हुआ। बताइए क्या हुआ होगा। हमारी मोहब्बत के सामने सबके सर झुके होंगे। इस कदर यकीन है आपको अपनी मोहब्बत पे। जी, क्योंकि मेरी मोहब्बत में कोई खोट नहीं है। और अगर मेरी में खोट हो तो? कुछ से ज्यादा यकीन है मुझे तुम पर। और अगर अबू ने मना कर दिया हो तो एक मजनू बनकर तुम्हारे दरवाजे के बाहर आके बैठ जाऊंगा, और तब तक नहीं जाऊंगा जब तक तुम्हारे अबू नहीं मानेंगे। पक्की बात है? आजमाना चाहती हो, आजमा कर देख लो। ठीक है तो फिर आ जाइए, मैं भी देखूं आपका जुनून। ठीक है, मैं भी आया। कोई तो बात है आखिर मेरी मेहमान नवाजी में, कि गम एक बार आते हैं तो वापस नहीं जाते। मुबारक हो अतिया, आपकी मोहब्बत और मंगनी दोनों बच गई। इमाम मुझे तो समझ में नहीं आ रही कि मैं तुम्हें मुबारकबाद दूं या अफसोस करूं। दूसरी बार मंगनी टूटी है मेरी, उसमें कंफ्यूजन तो नहीं होनी चाहिए कि मुबारकबाद बनती है या मारती है। मेरे ख्याल में हमें खुशी का पहलू निकालना चाहिए। कौन सी खुशी? तुम्हारी जुनेद से शादी की उम्मीद रोशन हो गई है। ये खुशी नहीं, खुशफहमी है। खैर छोड़ें, आपकी मोहब्बत बच जाने की खुशी मनाते हैं। बिल्कुल ठीक, मगर ये खुशी आपको अकेली नहीं मनानी चाहिए थी, मेरे साथ मनानी चाहिए थी। अफसोस हुआ मुझे। मत करो अफसोस मुझ पे, मैं अपनी मोहब्बत खोकर बहुत खुश हूँ। मेरे दिल से बोझ उतर गया है, ज़मीर मुतमईन हो गया। और तुम्हें मुबारक हो इमाम। इमाम आपको किस बात की मुबारक? बात तो तुम्हारी तय हुई है ना, मुबारकबाद तो तुम्हें मिलनी चाहिए। अतिया खाला, हम बहनों के दरमियान मत बोला करें। ये मत भूलें कि आपकी मंगनी मैंने ही बचाई है और तुड़वा भी सकती। तुम्हारी हमदर्दी
तुम्हारी कुर्बानी, तुम्हारी चालाकी सब जानती हूँ मैं नूर। कुछ नहीं जानती तुम इमाम, तुम्हारी और जुनैद की शादी करवाने की राह हमवार करती है मैं। दूसरों की बातों में मत आया करो, इस घर में तुम्हारी बहन ही तुम्हारी हमदर्द है। खैर, सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया तो मैं लंच करने जा रही हूँ अरसम के साथ। बाय। नूर कहाँ जा रही? आकर बताती हूँ। पहले बताओ मुझे। मैं आपको क्या बताऊँ अम्मी, मैं खुद नहीं जानती कि अरसन ने मुझे क्यों बुलाया। अरसन ने बुलाया? उसका बात करने का लहजा थोड़ा अजीब सा था, मुझे डर है कि कहीं आपकी बहन ने उसे ये ना बता दिया हो कि मैं जुनैद को पसंद करती हूँ। अथिया तुम्हारी तरह की हमारते नहीं किया करती। प्लीज मेरा मूड खराब मत करें। मां आपकी खुशियां छीनकर तुम हमेशा खुश होती। मैं तो उसकी खुशियां लौटा कर खुश हो रही हूँ। अगर ये नहीं सोचा आपा और जुनैद ने गुस्से में आकर करीम आपके रिश्ता लेने से इनकार कर दिया तो? मैं हमेशा अच्छे के लिए सोचती हूँ, ऐसा नहीं होगा, आप भी अच्छे के लिए सोचा करें। शर्म तो नहीं आ रही होगी ऐसी बात करते? मुझे डर लग रहा है। कहते हैं कि जब किसी पे एहसान करो उनके शर से बचो। मैंने अतिया खाला पे एहसान तो कर दिया, उनकी मंगनी बचाई ना, अब बस मैं खुद को उनके शर से बचाना चाहती हूँ। कहाँ जा रही थी नूर? पापा थी अरसम ने बुलाया, पता नहीं क्या कहता है। झूठ बोल रही थी, उसने खुद अरसम को बुलाया कि बात तय होने की खुशी में मुझे लंच करवाओ। खुशी में? जी। आपको क्या लगता है जो कुछ नूर कर रही है मेरी और इमाम की खातिर कर रही है? ये बातें तो सिर्फ मैं इमाम का दिल बहलाने के लिए करती हूँ। अच्छा क्या इमाम बहुत ज्यादा डिस्टर्ब? पापा जाहिर सी बात है दूसरी दफा ठुकराई गई है, डिस्टर्ब तो होगी ना। लंच किधर करवा रहे हैं? कौन सा लंच? सुबह का नाश्ता भी नहीं कराया, सिर्फ हाथ पकड़ा और घर छोड़ गए। अब तो मैं घर लेके जा रहा हूँ, जो होगा देखा जाएगा। हंस क्यों रही हो? बस कोई कहता है कि मैं हंसते बहुत खूबसूरत लगती हूँ, इसलिए हंस रही हूँ। और ये किसने कहा था? वही जो अभी तक नहीं समझ सका कि मैं इस कदर खुश क्यों हूँ। नूर जी जनाब, हमारी बात तय हो चुकी है। तो तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? नहीं मैं झूठ नहीं बोलती, मजाक कर रही थी। मजाक मजाक में तुमने मेरी जान निकाली। अरे आपकी जान तो मैं हूँ और मैं आपके दिल में धड़कन भर के धड़कती रहूँ, इसीलिए तो जिंदा हूँ, वरना इससे आगे मत कहिएगा। अभी हमने जीना है और भरपूर जिंदगी जिएंगे। चलिए तो फिर बताएं कहाँ लंच करवा रहे हैं? जहाँ आप कहें, अब तो जनाब आपको हुक्म चलेगा। अच्छा ऐसा है? बिल्कुल ऐसा है। पता है आज का मौका याद रखने वाला है, हम एक तस्वीर ले लीजिए। हाँ हाँ Thank you.
अकेले जाए। अशरफ आप परेशान ना हो, संभालें अपने आप को। कहना आसान और करके दिखाना बहुत मुश्किल होता है। आज तुम्हारी बहन की मंगनी टूटी होती ना, शायद तुम एहसास होता। मैं समझ सकती हूँ आपकी मजबूरी। मैंने अपनी बच्चियों की खुशियों की खातिर अपनी बहन को दी हुई जबान तोड़ दी आज। औलाद के लिए क्या नहीं करना पड़ता, सफिया समझ जाएंगी ये बात। सफिया समझेगी मैंने सब कुछ लालच में आकर किया है। लालच कैसा, नसीब की बात करें। इमाम के बजाय अगर नूर का नसीब वहां लिखा था तो हम क्या कर सकते हैं? लेकिन सफिया इतनी आसानी से कैसे मानेगी, क्या समझाऊंगा उसे? वो वक्ती तौर पर नाराज होंगी, बातें भी सुनाएंगे, हम सह लेंगे और फिर उन्हें मना लेंगे। अल्लाह ने चाहा तो इमाम की बात भी वहां तय हो जाएगी। अल्लाह करे सही हो। इंशाल्लाह। अस्सलामुअलैकुम अब्बा। आप क्यों? मैं यहाँ नहीं आ सकती हूँ क्या? नहीं नहीं, मेरा ये मतलब तो नहीं था। तुम्हारा मतलब तो मैं अच्छी तरह से समझती। पहले तुमने इमाम की मंगनी तोड़वाई और अब तुम नूर की मंगनी तोड़वाना चाहती हो ना? अब्बा आपको आपको शायद कोई गलत फहमी हुई है। गलत फहमी मुझे नहीं तुम्हें हो रही है। अगर ये तुम्हारी बहन का घर है तो मेरे भाई का भी घर है। तुम यहाँ मुस्तकिल रह सकती हो तो मैं भी यहाँ आ जा सकती हूँ। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आप इस कदर गुस्से में क्यों हैं। तुम्हारा चौंकना, इस तरह से घबराना मैं सब समझती हूँ, क्योंकि तुम्हें मेरा यहाँ आना पसंद ही नहीं है। छोड़े ये सब, जो करने आए उसके लिए आगे। जिन्हें तुम जाओ मेरी मेडिसिन लेकर आओ, मैं ज्यादा देर यहाँ बैठने वाली नहीं हूँ। देख नहीं रहे हो किस तरह मुझसे सवाल जवाब किए जा रहे हैं, जैसे कि मुझे हर बात का जवाब देना है। यहाँ पे जाओ तुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थक गई मैं तो आज। लगता है कामयाब हो गई आप। हाँ अल्लाह का शुक्र है भाई, फाइनली उन लोगों ने हाँ कह दिया। अच्छा बुलाओ मेरे लाडले को, कहाँ है वो? तो मैं आपका लाडला नहीं हूँ क्या? हो गया है, तुम का मेरी जान हो, मेरे बड़े बेटे हो तुम, तुम्हारी अलग बात है। बुलाओ ना उसे फोन करके और बताना ना। अम्मी नूर ना उसे ऑलरेडी बता चुकी होगी। आ गया आपका लाडला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ थे तुम? वो आपके होने वाली बहू के साथ। देखें कहा था ना मैंने आपको। अम्मी आपने तो कमाल कर दिया। बेटा कमाल मेरा नहीं उन लोगों का, बल्कि उनका बड़ापन है कि उन्होंने हमारी बात रख ली और अपनी दूसरी बेटी के लिए हाँ कह। बिल्कुल ठीक कहा आपने, अशरफ साहब और उनकी बीवी बहुत आला ज़र्फ़ इंसान है। बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने हमारे लिए अपनी बहन को नाराज़ किया। अम्मी थोड़ी तारीफ नूर की भी कर लें। आपका रिश्ता बचाने और मेरा रिश्ता करवाने में उसका बड़ा रोल है। अच्छा ये बात तो ठीक है बेटा, लेकिन एक बाप की मजबूरी को भी तो समझो ना। पता नहीं उन्होंने कितनी मुश्किलों से ये डिसीजन लिया होगा।
और फिर पता नहीं उनकी बहन इस बात पर किस तरह रिएक्ट करेंगी। क्या बात है भाई साहब, बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। कोई परेशानी की बात है क्या? हाँ सफिया, बहुत बड़ी परेशानी है, लेकिन अगर तुम चाहो ना तो ये परेशानी एक मिनट में दूर हो सकती है। अरे क्यों नहीं भाई साहब, आप मुझे बताइए तो सही। अगर मेरे बस में हुआ तो एक मिनट से पहले आपकी परेशानी दूर कर दूंगी, लेकिन बोलिए तो कुछ। समझ में नहीं आ रहा, आप कैसे बताऊं तुम्हें? बिल्कुल वैसे जैसे कोई भाई अपनी बहन को दुख बताता है। बताइए मुझे क्या हुआ? नूर की शादी जुलियत से नहीं की जा सकती। क्यों? अब कौन सी मजबूरी आ गई है? इमाम जुनैद को पसंद करती है, तो हम चाहते हैं कि इमाम की शादी जुनैद के साथ ही। इस तरह तो नूर भी जुनैद को पसंद करती है, तो फिर नूर का क्या करेंगे आप? नूर अब जुनैद से शादी नहीं करना चाहती, वो कहती है कि वो इमाम की पसंद से शादी नहीं करेगी। बस करें भाई साहब, मैं बच्ची नहीं हूँ। मुझे इधर उधर की बातों में उलझाने की बजाय सीधी सीधी बात कीजिए मुझसे कि हुआ क्या है आखिर। हमें नूर का रिश्ता मैडम फारूकी को देना पड़ा है। देना पड़ा? यानी आप लोग नूर के लिए मैडम फारूकी को हाँ कर चुके हैं? हाँ। ये मुमकिन नहीं है भाई साहब। नूर मेरी बहू है, पर जुनैद की पसंद है, उसे कोई और ब्याह के नहीं ले जा सकता। देखो सफिया, बात समझने की कोशिश करो। हम मजबूर थे, उन्होंने नूर को पसंद किया तो हमने हाँ कर दी। आपकी कोई मजबूरी नहीं है भाई साहब। मैडम फारूकी की दौलत ने आपकी आंखों पे पर्दे डाल दिए। आपको अपनी बहन की मोहब्बत भी नजर नहीं आई। ऐसी बात नहीं है सफिया, उन लोगों को इमाम की बजाय नूर पसंद आ गई। और बस कर दे भाई साहब, अगर इमाम की जगह शगुफ्ता भाभी उन्हें पसंद आ जाती तो क्या आप शगुफ्ता भाभी का रिश्ता कर देते वहाँ पर? सफिया जी, बात समझने की कोशिश करें। आप इनकार की पोजीशन में नहीं थे, वरना वो लोग अतिया के रिश्ते से भी इनकार कर देते। आप तो चुप ही रहिए शगुफ्ता भाभी, आपको तो हर वक्त सिर्फ अतिया के रिश्ते की फिक्र खाई जाती है। बहुत सी वजूहत थी सफिया, सबसे अहम वजह नूर का इनकार है। वो इमाम की पसंद जुनैद से शादी करने के लिए तैयार नहीं है। नूर भी तो आप ही की बेटी है, हमेशा से महलों के ख्वाब देखती आई है। आप लोग दौलत में मर मिटे, ये सब बहाने और जवाब मुझे इनकार करने के लिए। देखो सफिया मेरी बहन, हम तुम्हें इनकार कब कर रहे हैं? तुम इमाम को बहू बनाना चाह रही थी ना, तो हम हाजिर हैं। इमाम का रिश्ता जुनैद के लिए हाजिर है। बहुत लालची लोग हैं आप, बहुत ही लालची लोग। आप जैसे लालची लोगों से कोई रिश्ता नहीं रख सकती। अरे सफिया, बात मत करें मुझसे आप। सफिया मेरी बात सुनो, देखो समझने की कोशिश करो, हमारी मजबूरी है। सफिया सफिया, अरे हमारी मजबूरी को समझने की कोशिश करो सफिया। आपने कहने सुनने को कुछ नहीं छोड़ा आप। सफिया किस परेशानी ने घेर लिया आपको? तुमने सुना नहीं था क्या? मुझे अब कुछ सुनाई नहीं देता। सफिया आप आई थी। हाँ तो
काफी हंगामा हुआ है। ये तो होना ही था। तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे कोई मामूली सी बात है। जो बात अंडरस्टूड हो वो मामूली ही बन जाती है। अशरफ भाई ने तुम्हारा रिश्ता भी ऑफर किया था उनको, तो सफिया आपा नहीं मानी। ये भी कोई नई बात नहीं है। जब घर वाले घर की किसी नायाब चीज को मुफ्त बांटने लग जाए तो लोग उसे नाकारा समझ के रद्द करने लग जाते हैं। कोई मंजिल ना कुछ सबील हुई, राह अंधी हुई, तवील हुई। तेरे जाने से एक ये तो हुआ, मुख्तसर जिंदगी तवील हुई। साइम की कॉल है, आप बात करें। हेलो, आज भी आपने कॉल नहीं की, मुझे करनी पड़ी। वो असल में इमाम थोड़ी सी अपसेट थी ना, तो उसकी मौजूदगी में आपको कॉल करना मुनासिब नहीं समझा मैंने। हाँ ये तो है, अब कहाँ है इमाम? वो मेरा फोन बजा तो समझ गई आपकी कॉल है, कमरे से बाहर चली गई। लगता है काफी अटैचमेंट है आपकी इमाम से। मेरी तो खुशी ही फीकी पड़ गई है, अब इससे अंदाजा लगा लें कि मेरी कितनी अटैचमेंट है उससे। नूर से भी ऐसी अंडरस्टैंडिंग बनाए, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी। कोशिश कर रही हूँ। बहुत खुश हूँ मैं, आपकी बहन और बहनोई बहुत अच्छे लोग हैं। और अरसम, वो तो खुशी से पागल हो रहा है। अरसम, ये क्या किया बेटा तुमने? नूर की तस्वीर लगाई है अम्मी। आपने कुछ फील किया जैसे घर में रौनक बढ़ गई हो? किस कदर जिंदगी से भरपूर है ये तस्वीर, और तस्वीर वाली भी। बेटा जिन लोगों से मोहब्बत की जाती है उनकी तस्वीर दिल में लगाई जाती है, यूं दीवारों पर नहीं लगाई जाती। मेरा तो दिल कर रहा है शहर में साइन बोर्ड लगा दो। ये मुनासिब बात नहीं, जिससे मोहब्बत करते हैं उसे इस तरह बदनाम नहीं करते। ये बहुत पर्सनल चीज होती है, इस तरह चौराहों पर नहीं रख दी जाती अपनी मोहब्बत। मैंने ऐसा क्या किया अम्मी? बस आपसे अपनी फीलिंग्स शेयर कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन मैंने तो इमाम की तस्वीर यहाँ इसलिए लगवाई थी क्योंकि वो एक बहुत आर्टिस्टिक तस्वीर है। लेकिन अम्मी, इमाम की तस्वीर आप इस घर में लगाना मुनासिब नहीं है। ठीक कह रहे हो, लेकिन मुझे लगता है कुछ ठीक नहीं हो रहा अरसम। इमाम से आपकी कुछ ज्यादा अटैचमेंट हो गई थी इसीलिए आपको ऐसा लग रहा, वरना ऐसी कोई बात नहीं है अम्मी। ऐसी बात नहीं है बेटा, जिस तरह इमाम की तस्वीर यहाँ बिल्कुल फिट आई थी ना, मुझे लग रहा था कि उसका वजूद भी हमारे घर में इसी तरह एडजस्ट हो जाता। आप बेफिक्र हो जाएं, नूर आपके लिए मिसाली बहू साबित होगी। अल्लाह करे ऐसे ही हो, मैं उससे बदगुमान नहीं हूं बेटा। थैंक यू अम्मी। वेलकम। एक मिनट, तस्वीर।
तो बताएं वहां क्या बात हुई, जब से आए हैं आप चुप हैं। तुम्हारे मामू ने तुम्हारे और नूर के रिश्ते से इनकार कर दिया। मामू मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते, रिश्ते से इनकार कैसे कर सकते हैं? दौलत की खातिर इंसान सब कुछ कर सकता है। कौन सी दौलत है? मैडम फारूकी की दौलत, जिसने उन सब की आंखें चुंदिया थी। मैडम फारूकी की दौलत का मेरे और नूर के रिश्ते से क्या ताल्लुक है? मैडम फारूकी के बेटे अरसम से तुम्हारे मामू ने नूर का रिश्ता तय कर दिया। नूर ने ये रिश्ता कबूल कर लिया। नूर तो हमेशा से महलों के ख्वाब देखती रही है। अशरफ भाई और शगुफ्ता अभी कहते हैं कि नूर तो तुमसे शादी नहीं करना चाहती। नहीं नहीं, नूर मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, यकीनन उसे मजबूर किया गया। खुदा के वास्ते अब तो अपने आंखों पे बढ़ती हुई पट्टी को खोल दो। नूर की बदतमीजी और बदजबानी बिला वजह नहीं थी बेटा। नहीं मैं नूर ना बदतमीज है ना लालची, मामला कुछ और है। ठीक, इसी बहाने अगर तुम अपने दिल को बहला सकते तो बहला लो, लेकिन आज मुझे मेरे भाई ने बहुत मायूस किया है। खाली हाथ और बहते आंसुओं के साथ मैं अपने मैके वाले घर से बाहर आई। इस बात को मैं कभी नहीं भूल सकती, कभी भी नहीं। घर बेचो, लोन लो, जो कुछ करो, लेकिन मुझे ऐसा घर चाहिए। तुम्हारे मामू ने तुम्हारे और नूर के रिश्ते से इनकार कर दिया। नूर तो तुमसे शादी नहीं करना चाहती। दौलत की खातिर इंसान सब कुछ कर सकता है। मेरे साथ ये क्या किया, ऐसी क्या मजबूरी हो सकती है? वो बेवफा तो बिल्कुल भी नहीं। जुनेद, नूरी मैं क्या सुन रहा हूँ? हमारे प्यार को नजर लग गई है जुनेद। नजर लग गई है या तुम बदल गई हो? मैं तुम्हारे साथ बेवफाई कर सकती कि तुमने सोच भी कैसे लिया जुनेद? ना सोचा ना मुझे इस बात पर यकीन आया, इसलिए तो कॉल की तुम। बताओ मुझे क्या हुआ? मैं तुम्हारे लिए लड़ते लड़ते हार गई हूँ जुनेद। आपकी मोहब्बत और अतिया खाला की खुशी के लिए मुझे कुर्बान कर दिया गया। मैं क्या कर सकती हूँ? नूर मुझे तुम्हारी बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही, ये कैसे मुमकिन है? मुझे खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं बहुत परेशान। अच्छा ऐसे करती हूँ, मैं ना तुम्हें कल राम से कॉल करती हूँ, फिर सब कुछ बताती हूँ। ठीक है, बाय। नूर
बदबख्त ने सारा मूड खराब कर दिया। कोई बेवफा कहे या बेवकूफ, नूर गुर्बत से समझौता नहीं कर सकती। मूड ठीक करने के लिए एक ही रास्ता है, अरसम से बात कीजिए। हेलो जानेमन,